पकड़ी गई एसएसबी कैंप में चार महिलाओं के पास से कितना पकड़ा गया, ये कहाँ से आई थी? ये लमई से आए हैं, लमई मतलब दांग लमई, और दिल्ली जाने वाली है। मेरे हिसाब से 20-25 किलो होगा अंदाजा। अच्छा, ये आपकी गाड़ी से आई थी? हाँ। गाड़ी नंबर क्या? ए, वो अभी वो चरस। कितना था वो? होगा वो 20 किलो जितना, अंदाज में 20 किलो है। आप खाई कितना है? अच्छा, इसी गाड़ी से आए थे वो लोग? इसी गाड़ी से वो लोग आया घोराई से। अच्छा, हमारी गाड़ी पे लमई से बैठा वो। देखिए, भारत नेपाल की राष्ट्र की जो सीमा है वो खुली सीमा है, अक्सर वहाँ से तस्करी की मादक पदार्थों की शिकायतें मिलती रहती हैं, परंतु पुलिस और जो एसएसबी के वहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलते रहते हैं। इसी क्रम में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो नेपाल से भारत की तरफ आ रही थी, और एक बड़ी मात्रा में 20 किलो 500 ग्राम की मात्रा में चरस उनके द्वारा तस्करी की जा रही थी। इन चारों के पास से जो चरस बरामद हुई है, इसकी कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में आंकी गई है। इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विभिन्न और तरीकों से जब मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसके ऊपर पुलिस की लगातार नजर है, चाहे वो गाड़ियों से हो रही हो, चाहे वो पैदल चल के हो रही हो, या किसी कैरियर के माध्यम से, लगातार ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर अभियान चलता रहता है, और आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाइयाँ और चलेंगी।